आज की प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है। हमें इस एरे को 2D एरे में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करते हुए हमें कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना है। कंडीशंस क्या है कि जो हमारा 2D एरे बनेगा वो जो हमें गिवन एरे है उसी के एलिमेंट से बनना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो हमारे 2D एरे की हर एक रो होगी उसमें सारे डिस्टिंक्ट इंटीजर्स होने चाहिए। थर्ड हमारी कंडीशन क्या है कि जो हमारी नंबर ऑफ रोज हो वो हमारी मिनिमल होनी चाहिए। हमें एक रो में सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स रखने हैं और हमें नंबर ऑफ रोज को मिनिमाइज करने का ट्राई करना है। और क्योंकि हमारे मल्टीपल आंसर बन सकते हैं कि हम पहले किसी रो में 1 प्लेस कर दें फिर 2 कर दें, किसी रो में पहले 2 प्लेस कर दें फिर 1 कर दें, तो हम उनमें से कोई भी रिटर्न सकते हैं। हमें कोई पर्टिकुलर ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें बस नंबर ऑफ रोज को मिनिमम रखना है और हर एक रो में डिस्टिंक्ट इंटीजर्स होने चाहिए। और साथ में हमें दिया है कि हर एक रो में इक्वल एलिमेंट हो ये भी ज़रूरी नहीं है, हमारी हर एक रो में डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम ये एग्जांपल देखें, हमारा है 1 3 4 1 2 3 1, इसमें अगर हम देखें 1 हमारा कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, 2 हमारा 1 टाइम आ रहा है, 3 हमारा 2 टाइम आ रहा है, 4 हमारा 1 टाइम आ रहा है। हमारी कंडीशन क्या थी कि हर एक रो में डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए और हमारी नंबर ऑफ रोज मिनिमल होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम फर्स्ट रो में 1 1 2 1 3 1 4 ये प्लेस कर दे। इससे हमारा क्या होगा, अब हमारी 1 की फ्रिक्वेंसी बच जाएगी 2, 2 की बच जाएगी 0, 3 की बच जाएगी 1, 4 की बच जाएगी 0। हमें अब केवल 1 और 3 इनको प्लेस करना है। अगेन जो हमारी नेक्स्ट रो उसमें 1 1 और 1 3 ये प्लेस कर दें, 1 1 1 3 प्लेस कर दें। अब हमारी 1 की फ्रिक्वेंसी क्या बच जाएगी, 1, और 3 क्या बच जाएगी, 0। अब हमें केवल एक एलिमेंट प्लेस करना है, तो लास्ट रो में हम इस 1 को प्लेस कर दें। तो इससे हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी बनी, 3 रोज बनी। जो भी हमारे किसी नंबर की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी उतनी हमारी रोज बनी और हर एक रो में हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स भी प्लेस कर पाए। तो इस तरह से हमें ये 2D एरे रिटर्न करना है। नाउ इस एग्जांपल से आप नोट करो हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी रहेंगी, हमारी मिनिमम नंबर ऑफ रोज कितनी रहेगी, जितनी भी हमारी किसी एलिमेंट की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। वैसे इस केस में हमारी 1 की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम थी जो कि थी 3, हमारी 3 रोज बनेंगी। क्यों, क्योंकि हमारी हर एक रो में डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए, यानी कि हम एक रो में 2 1 को एक साथ प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो हमें इसकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी रोज तो लगेंगी लगेंगी। उसके बाद बाकी एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी रोज बनी है उसमें इस तरह से प्लेस कर दें कि किसी रो में 2 एलिमेंट एक साथ ना आए, बस हमें इतना करना है। जैसे हमारे पास 3 था, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 थी, हम इन 3 रोज में से किन्हीं भी 2 रोज में इस 3 को प्लेस कर दें। 2 की फ्रीक्वेंसी 1 थी, तो इस 2 को किसी भी इन 3 रोज में से प्लेस कर दें। 4 की फ्रीक्वेंसी 1 थी, इसे भी हम किसी भी रो में प्लेस कर दें। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे एरे में जितने भी इंटीजर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी निकाल लें, उसमें हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देख लें, उतनी हम रोज बना दें, फिर उन रोज में एलिमेंट को प्लेस कर दें इस तरह से कि हमारे सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हो। या फिर इसी चीज़ को हम एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं, हम सेम चीज़ को हमारे एरे को ट्रैवर्स करते हुए डेट कर सकते हैं। वैसे सबसे पहले हम 1 पर आए, हमारी 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। अभी हमारे आंसर में कितनी रोज होंगी, 0 रोज होगी, अभी तो हमने कुछ क्रिएट ही नहीं किया। हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी अभी हमारी जितनी रोज है उससे ज़्यादा है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक रो क्रिएट करनी पड़ेगी, और जो हमें रो क्रिएट करनी पड़ेगी उसमें इस एलिमेंट को हमें पुश करना पड़ेगा। हम 1 को यहाँ पर पुश कर दें। फिर हम आए 3 पर, 3 की फ्रीक्वेंसी अभी कितनी हो गई, 1 हो गई, हमारे पास 1 रो तो है ही, हम इसी रो में इस 3 को प्लेस कर दें। फिर हम आए 4 पर, 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, अभी 1 हो गई, हमारे पास 1 रो तो है ही, हम इसी रो में इस 4 को भी प्लेस कर दें। फिर हम आए 1 पर, अब 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई, हमारे पास रो कितनी है, 1 ही है, यानी कि हमें एक और रो बनानी पड़ेगी, हम एक और रो बना दें और इस 1 को इसमें प्लेस कर दें। फिर हम आए 2 पर, 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 1 हुई, हमारे पास 2 रोज है तो किसी में भी प्लेस कर दें। हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग की रो होगी उसमें इसे प्लेस कर देंगे, हमने इसे यहाँ पर प्लेस कर दिया। फिर हम आए 3 पर, 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई, यानी कि 1 3 को हम ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं और हमने स्टार्टिंग रो में उसे प्लेस किया होगा, तो नेक्स्ट रो में हम इसे प्लेस कर दें, हमारे पास 2 रोज थी, सेकंड रो में इसे हम प्लेस कर दें। फिर हम आए 1 पर, अब 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई, और हमारे पास रोज कितनी है, 2 ही है, यानी कि हमें एक न्यू रो बनानी पड़ेगी, हम एक न्यू रो बनाएं और उसमें इस 1 को प्लेस कर दें। इस तरह से हम रन टाइम पर हमारे एरे को स्कैन करते हुए हमारा 2D एरे बना सकते हैं। पहले अप्रोच में हम क्या कर रहे थे, हम पहले सबकी फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे, उसमें से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देख रहे थे,
उतनी रोज बना रहे थे और फिर अपने एलिमेंट्स को प्लेस कर रहे थे। उसी चीज़ को हमने एफिशिएंटली इंप्लीमेंट कैसे किया है, हम हमारे एरे को ट्रैवर्स करते जाएं और देखते जाएं कि हमारे एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी अभी हमारी जितनी रोज है उससे अगर ज़्यादा है तो हम एक न्यू रो क्रिएट कर दें और उसमें उस एलिमेंट को प्लेस कर दें, अदरवाइज जो उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी है उस रो में उस एलिमेंट को प्लेस कर दें। हमें एक वेक्टर ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ था, हमें इसे 2D एरे में कन्वर्ट करना था और हमें हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी चाहिए थी। फ्रीक्वेंसी के लिए हमने एक मैप का यूज़ कर लिया, फिर हमने हमारे एरे के एलिमेंट्स पर लूप लगाया, जो भी एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट किया। अगर हमारे पास अभी जो रोज़ है वो इस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी से कम है तो इसका मतलब क्या है, हमें एक न्यू रो बनानी पड़ेगी और फिर जो भी हमारे इस नंबर की फ्रीक्वेंसी होगी उस वाली रो में इस एलिमेंट को पुश करना पड़ेगा। ये हम हर एक एलिमेंट के लिए कर देंगे तो हमारा 2D एरे रेडी हो जाएगा और उसे हम रिटर्न कर देंगे। और इस प्रॉब्लम में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हमारे एरे पर एक लूप लगा रहे हैं, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या जाएगी, ओ ऑफ एन, और हमने एक मैप का यूज़ किया है, हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या जाएगी, ओ ऑफ एन। थैंक यू गाइस।